आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक में पहुंचेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर वो यहां 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो देश के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। अब आप यहां का नजारा देखिए, ये युवा हैं जो पीएम मोदी के सामने अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और हम लोग यहाँ पे बिहू डांस करने वाले हैं। एंड इसमें मतलब हमने ना हर स्टाइल मतलब हर इसके किया है, लाइक हाँ स्टेप वाइज किया है, मराठी किया है, राजस्थानी किया है, गुजराती किया है, भांगड़ा किया है और बिहू किया है। प्रधानमंत्री भी आएंगे आप लोगों के बीच में, उसको लेकर कैसे एक्साइटमेंट है? हम लोग इतने एक्साइटेड है, हम लोग 4 दिन से पहले सर को बोल रहे कि सर हम लोग बहुत एक्साइटेड है, अभी कॉस्ट्यूम पहन के हम लोग डांस करेंगे उनके सामने। तो हमने कभी सोचा नहीं था, सर की वजह से हमें ये चांस मिला है, तो सर को थैंक यू बोलना चाहिए एंड सब टीम को। एंड हमें बहुत ज्यादा, और हमें मिलना भी है और हमें फोटो भी खींचना है, कुछ भी हो जाए। बेसिकली फोक डांस करता हूँ मैं, सुबह सर के पास असिस्ट करता हूँ बॉम्बे में, अभी नासिक में मैं वो पहले से रहता हूँ, पर यहाँ पे हमें एक चांस मिला कि मोदी जी के सामने डांस करने का। ये मेरे लाइफ का बहुत ही सुनहरा पन है और मेरी वजह से बच्चों को भी एक अलग से चांस मिला, इसके लिए मैं बहुत फोक डांसेस ऑल मेरे जो स्टेट वाइज है, पंजाबी है, भांगड़ा है, बिहू है, गुजराती है, राजस्थानी है, और ये नरेंद्र मोदी जी के सामने एग्जैक्टली स्टेज के सामने है, वो बहुत एक्साइटमेंट है, हमको अभी बोल भी नहीं पा रहे कि क्या बताए उनके बारे में। इस कार्यक्रम के चलते यहाँ सिक्योरिटी टाइट है और सभी लोग पीएम मोदी के आगमन से पहले उत्साहित हैं।